कढ़ी और दाल, राजस्थान के फेमस मिर्ची के पकौड़े। राइजिंग विद रेखा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा, तो बने रहे मेरे साथ में और चलिए आपको भी लेके चलते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी, तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं। देखना 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 किधर। जय हनुमान जी की। हम पहुंच गए हैं खोले के हनुमान जी के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी महाराज का। तो आज हम हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे और हमारे एक पारिवारिक सदस्य हैं, उन्होंने प्रसादी रखी है यहाँ पर। तो ये देखो, पहाड़ों की वादियों में ये मंदिर बनाया गया है, भव्य मंदिर है। अगर आपका जयपुर में आगमन हो तो आप यहाँ पे जरूर आएं। पूरा पिकनिक स्पॉट भी है और भगवान के दर्शन भी होंगे। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये वाला। पूरा गाड़ी की अप्रोच में है, पूरा गाड़ी जाती है। कितना सुंदर नजारा है ये, हरी वादियां, हरियाली, और बारिश के दिनों में तो इतना मनोरम दृश्य बन जाते हैं, देखने लायक सीन हो जाता है। ये देख सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जयपुर में बहुत अच्छा है व्यवस्था यहाँ पे, और आपको अलग से पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। आप अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए, स्ट्रेट चलिए। हाँ, ये पार्किंग की आ गई जगह। जयपुर का प्राचीन मंदिर है दोस्तों खोले के हनुमान जी। इस जगह को खोल बोलते हैं। खोल का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ स्थान, उस स्थान को खोल कहते हैं। तो जो राजस्थानी भाषा है इसमें खोल कहते हैं। तो इसलिए चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है हनुमान जी का मंदिर। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं दर्शन करने के लिए। जय बजरंगबली की। तो हम पहुंच गए हैं बजरंगबली के धाम। जी हाँ, यह विश्व प्रसिद्ध खोल के हनुमान जी का मंदिर है जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है। तो चलते हैं भगवान के, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए।
बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई आज तो बहुत ज़्यादा। और आप भी सब दर्शन कर लीजिए, मैंने मेरे परिवार के लिए, जो मेरी वाइटी फैमिली है उनके लिए, और जो मेरे बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर है, सबके लिए मैंने मंगल कामना मांगी। ईश्वर आप सबकी दुआ कबूल करें और सब आगे बढ़ें, उन्नति करें। इसी मनोकामना से मैंने हनुमान जी के दर्शन किए और सभी के लिए मैंने दुआ मांगी, मन्नत मांगी कि सबका, हम सब पर हे हनुमान जी महाराज आपका आशीर्वाद बना रहे। तो ब्लॉग में बने रहें दोस्तों। तो मैं यही बता रही थी कि बहुत अच्छे से प्राचीन मंदिर है, एक्चुअली ये प्राचीन मंदिर है, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ मंदिर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। एक बार आप आ जाएंगे तो आपको पूरा दिन ये नहीं लगेगा कि हम यहाँ से जाएं। इतना भव्य दर्शन हुए हैं दोस्तों कि एक भगवान का जो नाम लेने से ही हम इतने हो जाते हैं। तो हमने तो दर्शन मिल गए तो बहुत ही जीवन धन्य हो गया। अगर आप जयपुर आते हैं तो एक बार यहाँ पर अवश्य पधारें। खोले के हनुमान जी दिल्ली रोड पर स्थित है। दर्शन हो गए हनुमान जी के? कैसे दर्शन हुए? बढ़िया, शानदार हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। हमारी कृपा से। और अगर आपको भी जयपुर आने का मौका मिले तो जरूर दर्शनों का लाभ लीजिए, मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत बालाजी महाराज में शक्ति है बहुत ज्यादा। दर्शन कर लिए हमने। प्रसादी ले लिया, फिर प्रसादी लेती क्या? जगह जगह प्रसादी के भंडारे लगे हुए हैं, प्रसादी ले सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था में सब ले रहे हैं, प्रसादी वितरण हो रहा है। और प्रसाद और प्रसादी में क्या वितरण हो रहा है जो भी आप देख लीजिए। हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा प्रिय है दाल बाटी और चूरमा। ये भक्त हैं जिन्होंने प्रसाद वितरण कर रहे हैं। देखो महाप्रसादी का आयोजन है ये, कोई भी आइए और कोई भी अपनी प्रसादी लीजिए, महाप्रसादी है दोस्तों। ये मंदिर का व्यू देखो, दोस्तों कॉपीराइट क्लेम की वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो यहाँ से देखे सीधा सामने पे देख रहे हैं तो हमें भगवान का भव्य दरबार दिखाई दे रहा है, ये देखे सामने। और उसी के सामने हमारी जो भोजन की प्रसादी की व्यवस्था की गई थी, हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमने सबसे हम वहाँ पर मिले और बहुत ही पंगत प्रसादी ली, बहुत ही अच्छा दिन रहा। तो ब्लॉग में बने रहें और देखिए बहुत ही भव्य नज़ारा। ये देखिए सामने पहाड़ी है, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ बहुत ही रमणीय स्थल है। और यह दिल्ली रोड पर स्थित है, जयपुर से बिल्कुल जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर। दर्शन करने के बाद में हम वहाँ उस स्थल पर पहुँच गए, यहाँ पे रसोई नंबर लिखे रहते हैं, तो हम भोजन प्रसादी के लिए हम पहुँच गए। राजस्थानी खाना
गेहूं का चूरमा, गुलाब का चूरमा, बेसन का चूरमा, मसाला बाटी, मावे की बाटी, गट्टा, कढ़ी और दाल, राजस्थान के फेमस मिर्ची के पकौड़े नींबू के साथ में, इस तरीके की प्रसादी है। खा के देखते हैं कैसी है। बहुत ही स्वादिष्ट है। हनुमान प्रसादी में इस टाइप का ही प्रसादी मिलती है यहाँ पर। राजस्थान का फेमस है खाना। हनुमान जी का दरबार सजाकर भव्य झांकी निकाली गई है। यह झांकी बहुत दूर से आई है और हजारों लोग इस यहां पर इस जुलूस में पधारे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जब हम पार्किंग एरिया की तरफ चलते हैं तो रास्ते में हमें यह भव्य जुलूस मिला जिसमें श्री हनुमान जी की तस्वीर लगा रखी थी और हम पार्किंग स्थल की तरफ जा रहे हैं।
जय श्री राम और हनुमान जी की जय जयकार लगाते हुए भक्तगण पहुंच रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितनी मान्यता है दोस्तों, आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहर के बीचों बीच इतना सुंदर पर्यटक स्थल है दोस्तों कि मन को मोह लेते हैं। यहाँ पर रोप वे भी बनाया गया है, जो हम वहाँ पर भी गए थे, उसका भी मैं अलग से ब्लॉग डालूँगी, देखिएगा।